और चलिए मौसम के इस अपडेट के बाद अगली खबर कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में देखिए इन दिनों गाड़ियों का मेला लगा है। आज ऑटो एक्सपो का दूसरा दिन है। कल से ये बिजनेस क्लास और 14 जनवरी से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आज दूसरे दिन मारुति सुजुकी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति जिमिनी को लॉन्च किया। इस एसयूवी का लंबे वक्त से लोगों को इंतजार था। इसका मुकाबला महिंद्रा की थार और फोर्स मोटर्स की गुटखा के साथ होगा। ये कारें रफ्तार पर सवार आधुनिक तकनीक की मिसाल हैं। ग्रेटर नोएडा में लगे बेमिसाल कारों के इस मेले पर इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो में एक से बढ़कर एक कारें लोगों का दिल जीतने को तैयार हैं। इस ऑटो एक्सपो में नई कारें लॉन्च होने के साथ साथ भविष्य में आने वाली कारों की झलक भी मिल रही है। मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो में अपनी पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीएक्स के कॉन्सेप्ट मॉडल को अनवील किया। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में ये कार 550 किलोमीटर का सफर तय करेगी। हुंडई के पवेलियन में किंग खान ने हलचल मचाई। शाहरुख ने हुंडई की आयनिक 5 कार लॉन्च की। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 44,95,000 रुपए रखी है। कंपनी का कहना है कि आयनिक 5 को केवल 18 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। खास बात ये भी है कि ये कार लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स को भी चार्ज कर सकती है। एक बार पूरा चार्ज होने पर ये कार 631 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ऑटो एक्सपो में टाटा ने भी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक दिखाई। टाटा सियरा ईवी का इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था। कंपनी को उम्मीद है कि ये एसयूवी इलेक्ट्रिक एसयूवी के बाजार में अपनी अलग पहचान बनाएगी। पिछले कुछ सालों में भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी पैठ बनाने वाले किया मोटर्स ने भी अपनी दो कारें अनवील की। इनमें KA4 इलेक्ट्रिक MPV लग्जरी के साथ लंबे सफर की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी है। EV9 इलेक्ट्रिक कार का लुक भी बेहद जुदा है। MG ने भी इलेक्ट्रिक SUV MG5 को लॉन्च किया। सिंगल चार्ज में ये 525 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और आधुनिक तकनीक से सजी तमाम खूबियों से ये कार पूरी तरह लैस है। इस साल के ऑटो एक्सपो में हर तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दबदबा दिख रहा है। सभी कंपनियां पेट्रोल डीजल के विकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। सिर्फ पैसेंजर कार्स ही नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट की दुनिया में भी ईवी की दखल बढ़ती जा रही है। ग्रीव्स कॉटन ने इस ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर और 2-व्हीलर समेत कुल 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। फिलहाल ऑटो एक्सपो में सिर्फ मीडिया की एंट्री है, लेकिन कल बिजनेस क्लास के लिए और फिर 14 जनवरी से गाड़ियों का मेला आम जनता के लिए भी खुल जाएगा। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।